नमस्ते दोस्तों, मैं हूं करियर कोच और एंटरप्रेन्योर रणवीर अलाहाबादिया। आज के वीडियो में हाउ टू इंक्रीज योर सैलरी बाय 5 times इन 1 year, अपनी तनख्वाह को 5 गुना ज्यादा कैसे करें, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। ये मजाक नहीं है, ये क्लिक बेट नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको सच में नेटवर्किंग के ट्रिक्स बताऊंगा। एक चीज याद रखिए अपने करियर के लिए, ये मैं मेरे हर करियर कोचिंग के क्लाइंट से कहता हूँ, नेटवर्क इज नेटवर्थ। जितने लोगों को आप जानते हो ना, जो आपका प्रोफेशनल नेटवर्क है, जिन बिजनेसेस के साथ आप काम करते हो, उन्हीं बिजनेसेस को मिलाकर आपकी खुद की तनख्वाह बनेगी। और एक और क्रूशियल चीज याद रखिए, ज्यादा पैसा कमाने के लिए बिजनेसमैन होना जरूरी नहीं है। अगर आप एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉई हो, अगर आप एक फ्रीलांसर हो, अगर आप एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉई का काम कर रहे हो, तो फिर भी आप बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हो। कैसे? अपने नेटवर्क की बदौलत। अपने करियर में सबसे ज़्यादा ग्रोथ चाहिए ना, इट्स ऑल अबाउट योर नेटवर्क। सो प्लीज़, इस वीडियो में मैं जो करियर गाइडेंस देने वाला हूँ, ये मैंने खुद के करियर में अप्लाई करके 4 businesses खड़े किए हैं। बियर बाइसेप्स, मंक एंटरटेनमेंट, मेरा पर्सनल करियर कोचिंग सर्विस और मेरा मोटिवेशनल स्पीकिंग सर्विस। ट्रस्ट मी दोस्तों, दीज आर दी अल्टीमेट करियर हैक्स। इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक ध्यान से देखिए। हाउ टू नेटवर्क, हाउ टू इंक्रीज द साइज ऑफ योर नेटवर्क। रूल नंबर 1, be a person of value, be around a person of value, be a person of value। अपने खुद के करियर में ऐसे मकाम तक पहुंच जाइए जहां लोग देख के कहें कि यार हाँ, इन्होंने ना लाइफ में कुछ जबरदस्त किया है, मुझे भी इनके साथ नेटवर्क करना है। इफ यू आर अ पर्सन ऑफ वैल्यू, द गेम बिकम्स ईजी। अगर आपने कुछ किया है ना लाइफ में, तो फिर ये नेटवर्किंग की गेम बहुत आसान हो जाती है। जैसे कि मैं कहते रहता हूँ कि यूट्यूबर बनने के नाते मेरी बिजनेस की लाइफ में बहुत सारे दरवाजे खुल गए हैं। मैं किसी को भी ईमेल कर सकता हूँ, लिंक्डइन पर मैसेज कर सकता हूँ, और मुझे रिप्लाइज मिल जाते हैं और मेरी वो मीटिंग सेटअप हो जाती है। पर सिचुएशन हमेशा ऐसी नहीं थी। पहले जब मैं एक छोटा यूट्यूबर था, तभी आई कुडंट रीच आउट इजिली टू ब्रांड्स, आई कुडंट रीच आउट इजिली टू कॉर्पोरेट लीडर्स। अब सिनारियो बदल गया है, पर उस टाइम पर भी मैंने एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ सीखी कि आपके इमीडिएट जो फ्रेंड सर्कल में है ना, इफ़ दे आर पीपल ऑफ वैल्यू, अगर वो लोग कोई बड़े मकाम तक पहुँच गए हैं, तो फिर That also pays off in your own networking game। अगर आप बड़े मकाम तक नहीं पहुँचे हैं, no problem, पर आपके आस पास के लोग बड़े मकाम तक पहुँचे हुए होने चाहिए। Early in my career, I drifted towards my mentors। मैंने mentorship मांगी लोगों से जो experience थे, जो successful थे, उनसे बातें करके, उनसे सीख के मैंने खुद की मेरी life में ना उनके business lessons apply किए, मेरे खुद के businesses को grow किया, मैं भी एक मकाम तक पहुँच गया। मैंने social media के numbers grow किए, beer biceps के numbers grow किए, और भी बड़ा मकाम हो गया, और उसके बाद मेरा network automated हो गया, मेरा network खुद से expand होने लगा। ये याद रखिए दोस्तों, इफ यू वॉन्ट टू ग्रो इन लाइफ, फर्स्ट बी अ पर्सन ऑफ वैल्यू योर सेल्फ। अगर आपको रिस्पेक्ट पाना है इस दुनिया में, एक बहुत ही आसान तरीका होता है सोशल मीडिया गेम। पर सोशल मीडिया कौन सी सोशल मीडिया? लिंक्डइन और ट्विटर। इन दोनों प्लेटफॉर्म्स पर ध्यान दीजिए। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में जितने भी कॉरपोरेट लीडर्स हैं, जितने भी डिसीजन मेकर्स हैं, CMO, CEO, CTO, जो भी लीडर्स हैं ना कॉर्पोरेट सेक्टर के, बिजनेस सेक्टर के, वो सभी हैं लिंक्डइन पर और ट्विटर पर। ट्विटर पहले ज़माने में ना एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म हुआ करता था, जहां लोग अपने पॉलिटिक्स के ओपिनियंस डाल के झगड़ा करते थे, पर आजकल बन गया है एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ हेल्प प्लेटफॉर्म। हमें भी फॉलो कर लीजिए ट्विटर @beerbicepsguy। दोस्तों एक चीज़ याद रखिए, आज के ज़माने में ना जो चीज़ें आप ट्विटर पर कह रहे हो, अगर लोगों ने रीट्वीट कर ली, मान लो कल मैंने आपकी चीज़ रीट्वीट कर ली, मेरे फॉलोअर्स में से काफ़ी CEOs है, काफ़ी CMOs है, आप ही सोचो कितने सारे लोग आपके ट्वीट देखेंगे। इस तरह आपके शब्द उन तक पहुंच जाएंगे। जिस तरह हम इंस्टा पर फोटोज़ डालते हैं, जिस तरह हम यूट्यूब पर वीडियोज़ डालते हैं, ट्विटर पर पता है हम केवल शब्द नहीं डालते हैं, हम अपने थॉट प्रोसेसेस, हमारे मेंटालिटीज़ डालते हैं। ट्विटर इज़ अ प्रोजेक्शन ऑफ मेंटालिटीज़। और उसी को ध्यान में रख के लिंक्डइन है प्योरिफाइड ट्विटर। ट्विटर पर आज मैं सेल्फ हेल्प के टिप्स डाल रहा हूँ, करियर टिप्स डाल रहा हूँ, कल मैं क्रिकेट के बारे में बात करूँगा। लिंक्डइन पर मैं सिर्फ प्रोफेशनल टिप्स डालता हूँ, और इन्हीं प्रोफेशनल टिप्स की वजह से लिंक्डइन पर मेरा ऑनलाइन प्रोफेशनल नेटवर्क बहुत बड़ा है। उसके ही वजह से हमारे सोशल मीडिया, यूट्यूब पर हमें ब्रांड डील्स मिलती है, इंस्टा के लिए ब्रांड डील्स मिलती है, कैसे? लिंक्डइन से। क्योंकि वो जो ब्रांड्स हैं ना, उनके हेड्स कहाँ हैं? लिंक्डइन पर, मुझे फॉलो कर रहे हैं। अगर आपको अपने नेटवर्क को बढ़ाना है ना,
इजी करियर हैक, ट्विटर और लिंक्डइन पर एक्टिव हो जाइए। हर दिन जो भी आपके थॉट्स हैं ना, बस डाल दीजिए ट्विटर और लिंक्डइन पर। पर एक चीज़ ध्यान में रखिए, जो भी आप डाल रहे हो वो होने चाहिए वैल्यू एडिंग। उन चीज़ों को पढ़कर लोगों को लगना चाहिए कि हाँ यार, मैंने यहाँ से बहुत कुछ सीखा। ऑलवेज पुट वैल्यू एडिंग कॉन्टेंट ऑन ट्विटर एंड लिंक्डइन। लोग कहते हैं ना, पर्सनल ब्रांडिंग करो, पर्सनल ब्रांडिंग करो। सबसे आसान तरीका फॉर पर्सनल ब्रांडिंग एंड टू इंक्रीज योर ओन वैल्यू इन दिस वर्ल्ड, ट्विटर और लिंक्डइन। और एक और साइड नोट, अगर आप एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉई भी हो पर आपका लिंक्डइन पर प्रेजेंस बहुत ज़बरदस्त है ना, आप अपने कंपनी के लिए एक नई रेवेन्यू स्ट्रीम स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि अपने कंपनी के लिए पैसा कमा सकते हैं लिंक्डइन के द्वारा। कैसे? मान लो कल आपने अपनी लिंक्डइन की फॉलोइंग बढ़ाई, उसकी वजह से आपके नेटवर्क में, आपके ऑनलाइन नेटवर्क में काफ़ी शक्तिशाली लोग जुड़ जाएंगे या दूसरी कंपनीज के लोग जुड़ जाएंगे और वो आपको ट्रस्ट करते हैं, आपके फॉलोअर हैं लिंक्डइन पर, और उस ट्रस्ट की वजह से आप B2B बिजनेस ट्रांजैक्शंस, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शंस कर सकते हो। आप कह सकते हो कि ये देखो, ये है मेरी कंपनी X, आपकी कंपनी है Y, चलो मिलके बात करते हैं, मिलके ज़्यादा तनख्वाह बनाते हैं एक दूसरे की, बिजनेस पार्टनरशिप करते हैं, साथ में कोलैबोरेट करके ग्रो करते हैं। कोलैबोरेशन इज द की टू ग्रोथ। ओके, तो ये हो गई बात सोशल मीडिया की, पर्सन ऑफ वैल्यू वाले कॉन्सेप्ट की। दूसरा पॉइंट, ये होती है रियल लाइफ नेटवर्किंग। एक बार मान लो आपकी एक रियल लाइफ मीटिंग फिक्स हो गई, किसी ने आपसे कहा कि यार चलो मिलते हैं, फिर आप पहली मीटिंग में क्या करोगे? दोस्तों, दो प्रकार की मीटिंग होती है। एक होती है कम्प्लीटली प्रोफेशनल मीटिंग, यानी कि किसी ने आपको प्रोफेशनल ईमेल भेजा है कि लेट्स मीट टू डिस्कस बिजनेस, फिर वो वाला एजेंडा होता है अलग, आप मिलेंगे, आप थोड़ी बातचीत करेंगे, बट मोस्टली 70-80% ऑफ दैट कॉन्वर्सेशन विल बी वर्क रिलेटेड। आप बिजनेस के बारे में बात करेंगे, आप अपने करियर, अपने काम के बारे में बात करेंगे। ये होती है एक प्रकार की मीटिंग। पर नेटवर्किंग की बात की जाए ना, तो जो तोड़ फोड़ वाले कॉन्टैक्ट्स बनते हैं ना आपके, यानी कि CEO, यानी कि टॉप लेवल पीपल, यानी कि इस कंट्री के सबसे बड़े बिजनेसमैन, वो पहले हमेशा अपनी पहली मीटिंग में कभी काम के बारे में नहीं बात करते हैं। जब आप पहली बार किसी सक्सेसफुल इंसान से मिलेंगे ना, आप ही सोचो यार, उन्होंने ऑलरेडी लाइफ में इतना अकॉम्प्लिश कर लिया है, उन्हें आपकी ज़रूरत नहीं है, आपको उनकी ज़रूरत हो सकती है। इसलिए मेरे दोस्त, रूल नंबर 2 ऑफ नेटवर्किंग इज़ इन द फर्स्ट मीटिंग हैव नो एजेंडा। जो आप पहली बार किसी से मिल रहे हो ना, आपको काम के बारे में बात नहीं करना चाहिए यार, आपको काम के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, आपको पहले उनके साथ एक बॉन्ड बनाना चाहिए, उनको अपना ब्रो या अपनी सिस बनाना चाहिए। कैसे? आप बस ह्यूमन लेवल पर बात करेंगे, आप थोड़ा बहुत अपने करियर के बारे में बात करेंगे, आप शायद खाने के बारे में बात करेंगे, जिस क्लब में आप गए हो आप उस क्लब के बारे में बात करेंगे, और थोड़ा बहुत उनसे क्वेश्चनिंग करेंगे, यानी कि उनको उनके बारे में पूछेंगे कि यार हाउ यू डीलिंग विथ योर डाइट। मान लो उन्होंने कुछ अजीब सी चीज़ ऑर्डर की है खाने के लिए, तो आप उनके खाने के बारे में बात कर सकते हो। आपको बेसिकली आइस ब्रेकिंग करनी है वो मीटिंग में, उनका दोस्त बनना है। क्योंकि एक और की रूल याद रखिए, लाइफ में खुद की खुशी के लिए एक रूल फॉलो कीजिए, और उस रूल का नाम है नो एसोल रूल। एंथनी बोर्डेन का एक रूल था कि आप जिनके साथ भी काम कर रहे हो ना, उनके साथ आपको टाइम बिताना अच्छा लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि आगे जाकर अगर आप बहुत ही गहरे बिजनेस पार्टनर्स बन गए, तो फिर मान लो वो 4 बजे आपको कॉल कर रहे हैं, पर वो है एक एसहोल, यानी कि एक थोड़े से हरामी इंसान, और आप ये नहीं चाहते कि यार 4 बजे आप सो रहे हो और उस हरामी इंसान का कॉल आए और आपसे कहे कि यार ये काम क्यों नहीं हो रहा, काम कर। अब वो वाली वाइब नहीं चाहते अपने लाइफ में। तो प्लीज़ अपने लाइफ में ना नो एसहोल रूल फॉलो कीजिए, और पहली मीटिंग में वो देखिए कि ये किस तरह के इंसान है, क्या इनके साथ टाइम बिताना मुझे अच्छा लगता है या नहीं अच्छा लगता है। खुद के लिए भी आइस ब्रेक कीजिए, खुद के फ्यूचर वर्जन के लिए एक चीज़ कर दीजिए, आप एक काम कर दीजिए, गेज कीजिए कि यार कैन आई वर्क विद दिस पर्सन इन द लॉन्ग टर्म। पर उनसे कोई भी काम की बात मत कीजिए, करियर की बात थोड़ी सी कम रखिए, बेसिकली बिकम द फ्रेंड, दोस्त बनिए पहले। नेटवर्किंग का तीसरा रूल, डेमोंस्ट्रेट क्यूरियोसिटी। जिनसे भी आप बात कर रहे हो ना, उन्हें थोड़े से ऊंचे मकाम पर बैठाइए, उनसे ये पूछे कि यार आपने जो भी करियर में किया आपने कैसे किया। अगर आपको ये लगता है कि आगे जाकर आप इनके साथ काम कर सकते हो ना, पहले उन्हें ये दिखाइए कि आप भी उनसे सीखना चाहते हैं। एकदम वो कहते हैं ना ज्ञान चोर, ऐसे ज्ञान चोर मत बनिए। आपको बेसिकली दूसरे इंसानों से सीखना चाहिए। हर इंसान ये चाहता है कि यार उन्हें इम्पोर्टेंस दी जाए। अपनी नॉलेज शेयर करना एक सक्सेसफुल इंसान की एक साइन होती है।
तो ये याद रखिए, डेमोन्स्ट्रेट क्यूरियोसिटी, उन्हें उनके करियर के बारे में पूछिए, और नेचुरली जो आपके दिमाग में क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, चाहे आपको ये लगे कि यार स्टूपिड क्वेश्चन है, उन्होंने कुछ शब्द का आसानी से एकदम ऐसे बोलते बोलते इस्तेमाल किया और आपको लगा कि यार मैं ये शब्द के बारे में कैसे पूछूं, तो फिर आप वो क्वेश्चन अपने अंदर ही रख दोगे ना, ऐसी मेंटालिटी मत लेके जाओ मीटिंग्स में। डेमोन्स्ट्रेट क्यूरियोसिटी, उनको दिखाओ कि यार मैं बच्चा हूँ, मैं यहाँ सीखने आया हूँ, अगर आपने कोई चीज़ नहीं समझी तो उसके बारे में भी पूछिए। जो भी सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, वो किसी को जज नहीं करते हैं, वो बस नॉलेज शेयर करना चाहते हैं, ये याद रखिए। अभी ये जानिए कि डेमोन्स्ट्रेटिंग क्यूरियोसिटी से आपको क्या फ़ायदा होगा। आपको ये फ़ायदा होगा कि अगर आप एक बिजनेसमैन हो, आपको उनकी दुनिया में ना बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ दिख जाएंगे, उनकी दुनिया में ये दिखेगा कि यार मेरा बिजनेस वहाँ कैसे फिट होता है। एक वो साइड है, वन साइड ऑफ द कॉइन। दूसरा साइड ऑफ द कॉइन इज अगर आप एक बिजनेसमैन नहीं हो, अगर आप एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉई हो, तो फिर सेम लॉजिक, आप उनके बिजनेस में अपने कंपनी के लिए कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो, या अगर आपको अपनी कंपनी छोड़नी है फिर उनकी इंडस्ट्री के बारे में सीख सकते हो। ये जान सकते हो कि अच्छा यार मैं मीडिया इंडस्ट्री में हूँ, पर इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में ऐसी अपॉर्चुनिटीज है, आजकल रोबोट्स बनने लगे और मुझे रोबोट्स में तो बहुत इंटरेस्ट है, इसलिए शायद मैं करियर स्विच के बारे में सीख सकता हूँ। जब भी आप क्यूरियोसिटी डेमोन्स्ट्रेट करेंगे ना, आपको दिखेंगे करियर अपॉर्चुनिटीज, करियर ओपनिंग्स। सो ऑलवेज रिमेंबर, डेमोन्स्ट्रेट क्यूरियोसिटी और हमेशा सीखते जाओ। मान लो आपको कोई अपॉर्चुनिटी दिखी नहीं, मिली नहीं, तो इट्स ओके ब्रो, यू कैन ऑलवेज लर्न। नेक्स्ट रूल ऑफ नेटवर्किंग बहुत ही सिंपल है। मान लो आपने एक बार मिल लिया उनसे और आइस ब्रेकर हो गया, फिर आप घर जाके व्हाट्सएप पर क्या करोगे, उन्हें एक थैंक यू मैसेज भेजेंगे, बोलेंगे कि यार थैंक यू फॉर गिविंग मी योर टाइम, आई अप्रिशिएट इट अलॉट, होप टू मीट यू सून अगेन। मान लो आप दूसरे बार उनसे मिले, तो जब आप दूसरी बार मिल रहे हो ना, 50% ऑफ योर टाइम आप ऐसे ही मस्ती वाली बातचीत करेंगे, रिलेशनशिप्स, खाने के बारे में, जगह के बारे में, और 50% अभी आप थोड़े से करियर के क्वेश्चंस पूछ सकते हो। आप बेसिकली पिच कर सकते हो कि यार ये देखो, ये मैं खुद के करियर में कर रहा हूँ, ये मेरा बिजनेस है, डू यू थिंक वी कैन कोलैबोरेट एनीवे, अगर आपको ये लगा कि हाँ वो भी वो वैसी बातें करना चाहते हैं। काफ़ी सारे लोगों की आइस ब्रेक हो जाती है पहली मीटिंग में, पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको दो या तीन बार मिलके ही उनकी पूरी की पूरी आइस टूट जाती है। दोस्तों, हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट स्किल्स की प्लेलिस्ट देख लीजिए स्टार्टिंग विद दिस वीडियो, इससे सीखेंगे हाउ टू ब्रेक दी आइस, हाउ टू मेक पीपल लाइक यू। अपनी सोशल स्किल्स की ताकत आप बढ़ा सकते हो उस प्लेलिस्ट की वजह से, नीचे भी लिंक करूंगा, पर अभी लेट्स गेट बैक टू नेटवर्किंग। तो मान लो आपने आइस ब्रेक करी है, तो 50% ऑफ द टाइम बातचीत करो, 50% ऑफ द टाइम उनसे पूछो, डू यू थिंक माई बिजनेस फिट्स इन टू योर बिजनेस समवेयर, और अगर उनकी रिएक्शन है कि नहीं यार लेट्स नॉट टॉक अबाउट, उन्होंने बस ब्रश ऑफ कर दिया, तो फिर उस मीटिंग में काम की बात मत करो, शायद अगली मीटिंग में भी काम की बात मत करो। पर अगर उन्होंने पॉजिटिव इंटेंट दिखाया है, आपने पूछा कि यार कैन वी वर्क टुगेदर, और उन्होंने कहा यस कैन आई नो मोर अबाउट इट, अगर उन्होंने भी क्यूरियोसिटी डेमोन्स्ट्रेट की, तो इसका ये मतलब है कि आप साथ में शायद काम कर सकते हो, और साथ में काम करके ही आपको ग्रोथ मिलेगी, कोलैबोरेशन इज ग्रोथ। और दोस्तों, नेटवर्किंग का आखिरी रूल, मान लो मीटिंग के बाद आपने काम की बात करी, तो लोग पता है क्या देखना चाहते हैं, पहले आपकी एग्जीक्यूशन स्ट्रेंथ देखना चाहते हैं, स्पेशली जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, जो आपसे लाइफ में एक और भी ज़्यादा बड़े मकाम तक पहुँच गए हैं, वो लोग देखते हैं कि यार ये बंदा जो है एनर्जेटिक तो है, क्यूरियस तो है, सोशल स्किल्स में भी अच्छा है, क्योंकि रणवीर रणवादे का सब्सक्राइबर है, पर क्या ये रियल वर्ल्ड में एग्जीक्यूशन कर पाएगा। उन्होंने आपसे कहा कि कैन यू प्लीज़ सेंड मी एन ईमेल अबाउट व्हाट योर कंपनी डज, तो क्या आपने उसी दिन घर जाकर ईमेल भेजा, या अगले दिन घर जाकर ईमेल भेजा, या आप एक हफ्ते के लिए रुक गए और फिर एक हफ्ते बाद भेजा। ये होती है स्लो एग्जीक्यूशन वर्सेस फास्ट एग्जीक्यूशन, और दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, वो फास्ट एग्जीक्यूशन को महत्व देते हैं। तो प्लीज़ एग्जीक्यूट फास्ट आफ्टर मीटिंग्स। अगर आपने कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी या पार्टनरशिप की बात की है ना, और उन्होंने आपसे कोई चीज़ मांगी है कि घर जाके प्लीज़ इस पर काम करके मुझे भेजो, इमीडिएटली फास्ट एग्जीक्यूशन। जितना आप फास्ट एग्जीक्यूट करोगे ना लाइफ में, उतना ही जल्दी आपका करियर ग्रो होगा, उतने ही जल्दी आपके अर्निंग अपॉर्चुनिटीज इंप्रूव होते रहेंगे। अगर आपको अपनी तनख्वाह 5 गुना ज्यादा बढ़ानी है ना, नेटवर्क इज नेटवर्थ। इस वीडियो के एंड में मैं आपको इलॉन मस्क के पुराने बिजनेस पार्टनर, जो खुद लेजेंड है, पीटर थील का एक डायलॉग सुनाना चाहता हूँ। आस्क योरसेल्फ योर 5-year plan and then ask yourself what stops you from getting there in 6 months. खुद के लिए 5 साल का बिजनेस प्लान बना दो कि 5 साल बाद मुझे $1 million कमाने अपने बिजनेस से, और फिर खुद से पूछो कि यार 6 महीने के अंदर मैं $1 million कैसे कमा सकता हूँ।
और वैसे सोचिए। और उस गेम में ना एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा आपका नेटवर्क, जिन लोगों से आप सीखोगे, जिन लोगों से आपको मेंटरशिप मिलेगी और जिन लोगों से आपको बिजनेस मिलेगा। पहले दोस्त बनिए, आइस ब्रेक कीजिए, बी अ पर्सन ऑफ वैल्यू, उनके भी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड करिए, ठीक है। बिजनेस पार्टनरशिप टू वे होती है। और फाइनली फास्ट एग्जीक्यूशन, ये याद रखिए, थिंक पॉजिटिव, कीप वर्किंग हार्ड, ड्रीम बिग माई ब्रदर और सिस्टर।